गोवर्धन परिक्रमा करते करते अभी जहाँ पर उपस्थित हुए हैं, ये स्थान में बहुत बहुत सारी लीला हुई है। एक तो ये पारंग घाट है, एक श्री सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर है, यहाँ पर श्री चकलेश्वर महादेव है, यहाँ पर श्री मानसी गंगा। ये संपूर्ण जो ब्रज धाम जिसको श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, प्रमद मदन लीला कंदरे कंदरते रचयति नव जून द्वंदम अस्मिन मंदम एत कील कलनार्थ लग्न कस दोयर में निज निकट निवास देही गोवर्धन त्वम। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर ऐसे कोई स्थान नहीं जहाँ पर भगवान की मधुर मधुर लीला ठाकुर जी नहीं किए हैं। ये संपूर्ण राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को द्वारा अभिषिक्त भूमि श्री गिरिराज तलेटी। यहीं पर कदी ये पारंग घाट है। श्री वन महाराज जी बहुत अच्छे तरह से बात को बताएंगे, बंगला भाषा में आपको बोलेंगे कैसे। यहीं पर कहते जहाँ सखी चल चली है, जहाँ बसत ब्रजराज गोरस बेचना हरि मिले एक पंथ दो काम। इसलिए गुरु जी कहते थे ये गोपियाँ दूध दही बचने के लिए क्यों ना आएंगे। नंद बाबा नल धेनु है, श्री वृषभानु महाराज की कितना धन था, कहते 11 लाख है। बोले कृष्ण से भी ज्यादा धनी श्री राधा रानी। जब ये धनी है फिर ये गोरस बचने के लिए दूध दही बचने के लिए कौन जाते हैं, वो साधारण घर के माता ही जाती हैं। फिर यहाँ पर राधा रानी क्यों, ये गोधन बचने के लिए दूध दही बचने के लिए क्यों आएंगी। कहते दूध दही बेचना मूल उद्देश्य नहीं, मूल उद्देश्य है श्री श्याम सुंदर के साथ में मिलना। इसलिए हम सबरे श्रवण कर रहे थे, इसलिए श्री भागुर ऋषि ने देखा अभी गोपियों के साथ में कृष्ण के मिलन कैसे हो। पहले तो माताएं घर से बाहर नहीं निकला करती थी, इसलिए उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया। कहते श्री भागुर ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, अगर वो यज्ञ में दूध दही लेकर कोई जाए, यज्ञ में आहुति डाले तो धन्य धान्य में परिपूर्ण हो जाएगा। इसलिए यहीं पर ही ब्रज गोपियां दूध दही को लेकर के यहीं पर आते थी और कहा करते थे भैया कोई है हमें ये मानसी गंगा को पार करा देंगे। इतने में कृष्ण दूसरे तरफ में नाव लेकर बैठे हुए, कृष्ण दूसरे तरफ में नाव लेकर बैठे हुए। बोले क्यों नाव लेकर बैठे हुए, बोले गोपियों को पार कराने के लिए। तो यहाँ प्रश्न होता है भैया ये नाव कौन चलाती है, ये नाव कौन चलाती है। साधारण लोग ये नाव चलाने वाले केवट होते हैं, क्या कृष्ण केवट है। हाँ एक तरह का केवट तो है ही है, जो भी जीव को ये भव सागर से पार कराने वाले ये केवट, सचमुच से ये तो केवट है ही है। इसलिए भगवान राम पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, कृष्ण कन्हैया दाऊ जी के भैया, दाऊ जी के भैया भाई कृष्ण कन्हैया, पार करेंगे नैया रे भज कृष्ण कन्हैया। इसलिए जिस समय भगवान राम लक्ष्मण सीता को केवट ने पार करवाया, इतने में राम तो झांक रहे कुछ उतराई देने के लिए, इतने में सीता जी राम की भाव को समझ गए, अपना मुद्रिका निकाल करके श्री राम को दिए। जब रामचंद्र केवट को दे रहे थे, इतने में केवट ने कहा प्रभु नाई कभी नाई से पैसा नहीं लेता है, केवट कभी केवट से पैसा नहीं लेता है, हैं? इसलिए आप भी केवट और मैं भी केवट हूँ, फिर आपसे मैं ये उतराई कैसे ले सकता हूँ। इसको सुनकर लक्ष्मण की तो बड़ा क्रोध आ गया, ये क्या कह रहा है, पहले तो पार करवाना नहीं चाह रहा था, बड़े कष्ट से पार करवाया, फिर कहता है हम और आप सम बराबर के जाती है, हम दोनों केवट हैं। इतना सुनते लक्ष्मण को बड़ा क्रोध चढ़ गया। इतने में लक्ष्मण जी कह रहे हैं, श्री केवट जी कह रहे हैं और बोले क्रोध क्यों कर रहे हो, मैं तो ये नाव को द्वारा प्रभु को साधारण नदी से हमने पार कराया, लेकिन ये कौन है। बोले ये जीव को जो भवसागर से जो पार कराते हैं, कहते ये रामचंद्र जी जीव को भवसागर से पार कराते हैं। इसलिए मानो कृष्ण ये गोपियों को संसार रूपी से पार कराने के लिए कृष्ण बैठे हुए हैं। इसलिए कहते कृष्ण कहते हैं बोले हे गोपियां, मैंने तुम्हारी प्रेम में इतने ऋणी हूं
तुम्हारे प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए कभी तो मैं केवट का रूप धारण करता हूँ, कभी मैंने पानीहारी का रूप धारण करता हूँ, कभी मैंने मालीहारी का रूप धारण करती हूँ, कभी मैंने चूड़ी बेचने का रूप धारण करता हूँ, कभी मैंने श्रृंगार है, कभी मैंने चरण दबाने की सेवा करता हूँ। बोले क्यों? बोले केवल तुम्हारी प्रेम में बसीभूत होकर के, तुम्हारी प्रेम रस को आस्वादन करने के लिए मैं ये जंगल जंगल में वृंदावन में भटकता रहता हूँ, घूमता रहता हूँ। इतने में कृष्ण नाव लेकर के आ गए, इतने में सब गोपियों ने नाव में बैठ करके गए, इतने में कृष्ण बीच में लेकर के नाव को तो बड़ी जोर से हिलाने लग गए। बोले गोपियां, मेरे नाव तो फटे फटे नाव है जिसमें एक मणि ही जो ढो सकता है। बोले क्या करना पड़ेगा? तू तो बताया नहीं, बीच दरिया में आकर के एक मण ढो सकता है, तो पहले बोल देता, हम चढ़ते ही नहीं। इसलिए बोले किस चीज की भोजन? बोले तुम्हारी दूध दही की भोजन। इतने में बोले जल्दी जल्दी फेंको, फेंकवा दिया। बोले तब भी नाव नहीं चल रहा है। बोले क्यों? बोले इतने तुम सर से लेकर चरण तक जो अलंकार गहना पहने हो इसका ज्यादा भोजन, उसको फेंको। उसको भी फेंक दिया। बोले और किसी की भोजन है? बोले तुम्हारे जो कपड़े है ना, इतने इतने सोने चांदी के एम्ब्रॉयडरी की काम है। अरे एक एक कपड़ा का जैसे 10-10 किलो का तुमने इसमें एम्ब्रॉयडरी का काम करा के रखे हो, ये कपड़ा की ज्यादा भोजन है। इतने में कृष्ण क्या करते, जोर जोर से नाव को हिलाते हैं। हिलाने पर इतने में श्री राधा रानी डरते हुए श्री श्याम सुंदर को पकड़ लेती हैं। जब पकड़ लेती हैं, गोपियों का उद्देश्य क्या है, तब ये राधा कृष्ण को जुगल को हम कब मिलन कराएंगे। जब कृष्ण राधा रानी का मिलन हो जाती हैं, वहां पर श्री जोग माया वृंदा देवी कभी कभी मानसी गंगा को बीच में बड़े सुंदर उन्हें टापू प्रकट कर देती है, बड़े सुंदर उन्हें कुंज बना देती हैं। राधा कृष्ण दोनों ये कुंज में प्रवेश करते हुए दोनों की जुगल मिलन होता है और गोपियां बड़े सुंदर उनको जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलाना आरती कराए ललिता जी सखी गाना मदन मोहन रूप त्रिभग सुंदर पीताम्बर सिखी पुष्प बड़े सुंदर उनको आरती करते हैं। इसलिए ये स्थान का नाम पारंग घाट है। यहाँ पर आप लोगों ने श्री चक्लेश्वर महादेव को देखा है। जिस समय इंद्र, आप लोग कथा सुन रहे थे, जिस समय इंद्र को बड़ा क्रोध आया, एक साल से हैं, एक साल से मैं इंतजार कर रहा था, साल में एक बार ये ब्रजवासी लड्डू कचौड़ी मालपुआ इमरती रसमलाई लेडी की चमचम पिज्जा पास्ता नूडल्स और इतने बढ़िया बढ़िया चीज साल में एक बार भोजन मिलता है, एक साल से मैं इंतजार कर रहा हूँ। और ये कृष्ण ने क्या किया, सारे चीज को लेकर के पहाड़ की पूजा करवा रहे हैं। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, उसने बालिस बाचाल अज्ञा ऐसे कृष्ण को गाली देने लग गया। इतने में श्री सुधा सरस्वती ने कृष्ण के अंदर में अज्ञा मतलब क्या, जो सब कुछ जानते हैं, हैं? इसलिए बाचाल स्तब्ध बोल करके उनको जो गाली दिया, सुधा सरस्वती ने सबके सब गालियों को उन्होंने स्तुति पर को उन्होंने व्याख्या कर दिया, हैं? जब स्तुति पर को उन्होंने व्याख्या की, इतने में इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध आया तो उन्होंने संवर्तक मेघ अनचास पवन को बुलाया। बोले ब्रज में ऐसे शिला वृष्टि करो, ऐसे ओले गिराओ, ऐसे बारिश हो, ब्रज नाम को कोई गांव जैसे नहीं रह जाए, मानो ब्रज में प्रलय आ गया ब्रज में। इतने में सारे ब्रजवासी कृष्ण की शरण में आ गए। बोले कृष्ण देख, तू बोलने पर हमने गिरिराज की पूजा की, देखो ये इंद्र क्या नटखट कर रहा है। बोले चिंता क्यों करते हो, हमने गिरिराज की पूजा की ना, गिरिराज हमें अपना चरण में गिरिराज आश्रय देंगे, चलो सबके सब सारे सामान को लेकर गिरिराज की तलेट में चलो। जैसे एक बालक एक छत्री को उठा दे, ऐसे ही कृष्ण श्री गिरिराज गोवर्धन को बाम अंगुल में और नख के ऊपर में श्री गिरिराज को उन्होंने उठा दी। बोले श्री गिरिराज महाराज की। बोले ब्रजवासियों सबके सब इनके नीचे आ जाओ, सबके सब ब्रजवासी नीचे आ गए। यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया कृष्ण जब गोपियों को साथ में रास किया है, कितने गोपियां थी? कहीं तो आता है 100 करोड़, कहीं से आता है 300 करोड़, कहीं कहीं गोपियों के नाम आती है। इतने सारी गोपियां, सारे ब्रजवासी, इनकी गैया गाभी कितने सारे। बोले फिर गिरिराज को नीचे इतने सारे को सारे आए कैसे? बोले जो धाम है, बोले चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, ये धाम कोई साधारण नहीं, ये अप्राकृत दिव्य धाम है। इसमें स्वर्ग में एक
सभा है जिसका नाम सुधर्मा सभा, अगर उसमें 100 व्यक्ति जाए ना बैठ जाएंगे उसमें की कुर्सी बाकी रहेगी, अगर 1000 लोग आए बैठ जाएंगे उसमें एक कुर्सी बाकी रहेगी, अगर करोड़ों लोग भी आ जाए तभी बैठ जाएंगे लेकिन उसमें की कुर्सी कभी वो कुर्सी भरेगी नहीं, वो कुर्सी पूरा का पूरा खाली रहेगी कुर्सी। अगर स्वर्ग में वहां पर सुधर्मा सभा में अगर चमत्कारिता हो सकता है, कहां ब्रजभूमि अप्राकृत दिव्य ब्रजभूमि है, इसके लिए कोई असंभव नहीं, सबके सब संभव है। इसलिए सारी ब्रजवासी गिरिराज की तलहटी में आ गई और सबके सब आनंद ले रहे थे। तो यहाँ प्रश्न करते हैं, भैया वहां पर 7 दिन 7 रात तक कृष्ण गिरिराज उठाया है, तब इतना दिन तक आप किसी व्यक्ति को बोलो ना तुम 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा खड़े होकर रहो तो क्या होगा बताओ। हम यहाँ पर जैसे फिर ना 1 घंटा बैठ जाओ ना मन में खिलबिल मच जाती है, भाई कब खरी कथा खत्म हो, कब खड़े हो जाए, इतना समय से कथा हो रही है रसगुल्ला। इसलिए महाराज के तो रसगुल्ला मिले, इसलिए इतने। फिर अभी प्रश्न है, फिर बात बोलने वाले नहीं समझ पाते, हाँ बोलने वाले नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहते ये आश्चर्य की बात है, लेकिन वहां 7-7 दिन तक गिरिराज के तलहटी में वहां पर खड़े होकर रहना संभव है? 7 दिन तक ये ब्रजवासी वहां पर खड़े रहे पूरा के पूरा, खड़े संभव कैसे हुए? बोले कारण है वहां पर कृष्ण का जो मुखमंडल को सबके सब दर्शन कर रहे थे, जिसको ब्रज गोपियां कहती है बोले त्रुटि जुगायते त्वांगम पश्यताम कोटिल कोंतलम श्रीमुखम चते जरौ दीक्षताम पक्ष्मकी दृशाम। इसलिए यहाँ पर एकदम गोपियां जब कृष्ण गैया चराते हुए आते हैं सुंदर मिठे मिठी बंसरी बजाते हैं, बंसी ध्वनि सुनते ही सारी ब्रजवासी गोपियां बाहर निकल करके आ जाती है, कृष्ण को घूंघटा निकाल करके दर्शन करती हैं। लेकिन दर्शन करते समय मानो कृष्ण का मुख नहीं कमल, उनको जो घूंघटाली केस नहीं जैसे उसमें भौंरा मडरा रहे हैं, और जो गोरु खुरा से जो धूल उड़ा मानो ये पाउडर लगाते हैं ना स्नो पाउडर माताएं लगाती हैं वो पाउडर जैसे। इसलिए जब गोपियां कृष्ण को दर्शन करती जब एक पलक झपती हैं, वो पलक झपते समय जितने समय लगता है उनको लगता है मानो करोड़ युग बीत गया कृष्ण को जैसे दर्शन नहीं, करोड़ युग जैसे बीत गया कृष्ण को दर्शन नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण दर्शन में श्री रूप गोस्वामी कहते हैं कृष्ण की जो एक प्रेम माधुर्य है, ब्रह्मा का एक रात तक कृष्ण ने रास किया, ब्रह्मा का एक रात मतलब 1000 चतुर्युग तक उन्हें रास लीला किया, लेकिन गोपियों को क्या लगा अभी आए माना अभी रास खत्म हो गया। इसलिए गोपियां ब्रजवासी केवल कृष्ण के मुखचंद्र को दर्शन करते हुए वो आनंद में इतने विभोर थे, इतने विभोर थे उनको पता ही नहीं चला कब उन्होंने 7 दिन और 7 रात कब बीत गया उनको पता ही नहीं चला। इसलिए जब बारिश हो रही थी इतने में श्री शंकर जी देखा ये ब्रजवासी के ऊपर में कहां इंद्र ने ये कहां शिला वृष्टि और बारिश कर रहा है, तब इन्होंने शंकर जी श्री चक्रेश्वर महादेव मतलब श्री चक्र को प्रार्थना किया भगवान की चक्र जी को। इसलिए गुरुदेव कभी कभी कहते हैं शंकर जी एक स्वरूप में सदाशिव है, जब सदाशिव है मानो उन्होंने त्रिशूल को ही उन्होंने चक्र रूप में उन्होंने कभी प्रकट किया, नहीं तो उन्होंने चक्र को प्रार्थना किया तो चक्र ने करोड़ उन्होंने सूर्य के तेज को लेकर के सुदर्शन चक्र प्रकट हुआ और जितने बारिश आ रहे थे सबके सब उन्होंने सुखा दिया ऊपर से। कहते ये एक कारण है। दूसरा कारण बताए कभी अनंत देव कभी पूरा गिरिराज की तरी चारी तरफ में अनंत देव पूरा घेर गए है घेर लपट लिया और जितने पानी आई सबके सब गिरिराज उन्होंने रोक लिया नीचे उन्होंने आने नहीं दिया। कोई कोई कथाकार और एक कथा सुनाते ही इतना पानी गई कहां, बोले जब सीता जी को रामचंद्र उधार करके लाए तो इतने में सीता जी की इच्छा हुई थोड़ी सी मैं संतों का सेवा करूं, इसलिए राम को कहते थोड़ा संतों को बुलाओ इच्छा मन में सेवा करने के लिए। संतों को तो बुलाते लेकिन 8-10 पूरी सब्जी खाते ही पेट भर जाता है। मैया सीता ने कहा क्या संतों को बुलाते हो 8-10 पूरी रोटी खाते मेरा जी नहीं भरता संतों सेवा करा के, भैया ऐसे किसी संतों को बुलाओ जो थोड़ी सी भोजनानंदी हो। इतने में रामचंद्र ने अगस्त ऋषि को बोला बोले बाबा थोड़ी सी चमत्कार दिखा देना। अगस्त ऋषि जी ने एक गंडूस में पूरा के पूरा समुद्र पानी को उन्होंने शोषण कर लिया। ये श्री अगस्त ऋषि आए तो इन्होंने
मैया सीता पहले 8-10 पूरी दे दिया, सब्जी दे दिया, हलवा दे दिया, जब उन्हें और रोटी पूरी लेकर के आए ना खत्म, फिर लेकर के आती खत्म, फिर लेकर के आती खत्म, अभी किसी तरह से पेट नहीं भर रहा है श्री अगस्त ऋषि की। इतने में उन्होंने रिद्धि सिद्धियों को बुला लिए, भैया तुम लोग हाथ बटवा दो, जितने खिलाए दो बार आए तो थाला खत्म, दो बार आए तो थाला खत्म। इतने में सीता मैया ने देखा, हे भगवान ये कहां से साधु को ले आए। मैया सीता का शरीर से पसीना पसीना बहने लग गया, हाँ इधर थक गए, सबर से शाम तो हो गया, बाबा की भोजन ही पेट नहीं भर रहा है, जब परेशानी परेशानी। इतने राम को बोले कौन साधु को ले आए, लगता है पूरा पूरा के पूरा रिद्धि सिद्धियों को लगा दिया, तभी इनको किसी तरह से मना ही, हाँ नहीं मना नहीं करते, नियम है जब तक कोई मना नहीं करता तब देनी चाहिए। इतने में जब राम ने देखा भैया, हाँ राम ने देखा बोले बाबा अभी अपना सिद्धि को अभी यही बंद कर दो, हो गया है। इतने में जितना भोजन को बंद कर दिए, भैया जितने भोजन कराओ उतना पानी तो पिलाना पड़ेगा ना। भगवान राम ने कहा बाबा इसी अवतार में तो तेरे को मैंने खाना खिलाया, अभी दूसरे अवतार में तेरे को मैं पानी पिलाऊंगा, उतना तो पानी पिलाना पड़ेगा ना दूसरा अवतार में। इसलिए जिस समय इंद्र ने भारी बरसाया, बोले बाबा थोड़ी सी चमत्कार तो दिखा दो। इतने में अगस्त ऋषि आए और गंड सुहाथ को अंजलि करके एक तरफ में खड़े हो गए, और जितने सब इंद्र ने भारी से पानी किया सबके सब श्री अगस्त ऋषि ने सबके सब वहीं पर उन्होंने पान कर लिया। इसलिए इनका नाम चक्रेश्वर महादेव, यहाँ पर श्री सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर, यहीं पर श्री सनातन गोस्वामी भजन करते थे। और भजन करते समय यहाँ पर शंकर जी को बड़े दूध चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, अभी वहां पर तो गंधा होता है, और जहां पर गंधा वहां पर तो मच्छर होता है, इसलिए बड़े मच्छर सनातन गोस्वामी जब रात में सोए मच्छर काटे। इतने वाले शंकर जी मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, बोले क्यों, बोले देखो कितना गंदगी पड़ी हुई, मच्छर आते हैं मेरे को यहाँ भजन करने नहीं देते, रात को ये मच्छर काटते रहते हैं। इसलिए कोई कोई संत बोलता था भैया ये मच्छर क्यों रात को काटते हैं, कारण है क्या, बोले कारण है देखो ये जीवन भगवान भजन के लिए तुमको दिया, ये सोने के लिए नहीं दिया, मानो मच्छर इसलिए काटते, उठो भजन करो, उठो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए यहाँ पर श्री शंकर जी ने वरदान दिया, आज से यहाँ पर और मच्छर नहीं होगा, इसलिए आप लोग खूब यहाँ पर जम करके भजन करो। कहते श्री शंकर जी वैष्णव नाम जथा शंभु, सनातन गोस्वामी कौन, कहते ये लवंग मंजरी राधा रानी की नित्य सहचरी है, मानो जहाँ पर संत संतों में मिलन होता है। कहते मत कथा मत कथा चिंता बधयंत परस्परम कथयन्ति च माम नित्यम तुसंति च रमन्ति च। संतों का स्वभाव होता है आपस आपस में हरि चर्चा हरि कथा हरि भजन ही जिनका जीवन है। मानो जहाँ पर श्री शंकर जी जहाँ पर चक्रेश्वर महादेव दोनों बैठे करके आपस में ये हरि चर्चा करते थे, यहीं पर ही श्री सनातन गोस्वामी को यहीं पर जो गिरिराज शिला आप दर्शन करते हैं अभी वृंदावन में, और ये गिरिराज शिला चली गई अभी कहाँ पर जयपुर में, ये गिरिराज शिला चली गई है। इसलिए यहीं पर ही श्री सनातन गोस्वामी भजन करते 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 यहीं पर सनातन गोस्वामी रोज गिरिराज की सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे। यहीं पर परिक्रमा करते करते श्री सनातन गोस्वामी यहीं पर उन्होंने कभी बेहोश हो गए। बेहोश क्यों हो गए, कृष्ण लीलाओं को चिंतन करते करते। इसलिए कहते हैं ना ये हमारे जो छह गोस्वामी संख्या पूर्व नहीं नहीं है ना, हे राधे ब्रज देवी के चललिते, हे नंदन सुनतु त श्री गिरिराज गोवर्धन कल्प पाद बतल कुतः घोषंतांग मिति सर्वत्र खेदय महाविहलो बंदे रूप सनातन रघुजुगो श्री जीव गोपाल गौ। कहते श्री सनातन गोस्वामी छह गोस्वामी कभी हे राधे तुम कहाँ हो, हे ललिते तुम कहाँ हो, हे विशाखा तुम कहाँ हो, बिहोल हो करके कभी गिरिराज तलहटी में, कभी राधा कुंड में, कभी श्याम कुंड में एकदम उसमें डूब जाते थे। इसलिए मानो सनातन गोस्वामी जब उन्होंने लीला स्फुरण के द्वारा यही पर उन्होंने वृक्ष को नीचे उन्होंने बेहोश हो गए, कृष्ण स्वयं बलदेव प्रभु आए निकल करके, कृष्ण उनको सर जंघे के ऊपर उनको सर को रख करके रखे, बलदेव प्रभु स्वयं उनको छाया की। इतने में जब होश आए बोले बाबा क्यों इतने कष्ट कर रहे हो, जिंदगी भर तो तुम गिरिराज की परिक्रमा लगाए, अभी तो वृंदावन में रहकर भजन करो, अभी इतना कष्ट करने का जरूरत नहीं। इसलिए सनातन गोस्वामी मानना नहीं, बोले नहीं मैं तो जरूर जब तक जीवन रहूंगा तब तक मैं
परिक्रमा कभी गिरिराज की नहीं चुनूंगा, क्योंकि गिरिराज की कृपा से हमारे सारे अभिष्ट गिरिराज की कृपा से पूर्ण होता है। क्योंकि जो साधन है, कहते ये जो ज्ञान कर्म ये साधन बड़ा कठिन है, प्राप्ति भी कठिन है, लेकिन जो भक्ति ऐसे के साधन है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते भक्ति भी ऋजु मार्ग भी, जो भक्ति मार्ग है वो सरल मार्ग है, साधन भी आनंद और सिद्धि भी आनंद है। जैसे हम गिरिराज परिक्रमा कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया प्रसाद पा रहे हैं, कल अन्नकूट का प्रसाद होगा, बताओ आनंद ना दुख है, आनंद ना दुख है, बोलो बताओ दुख है कितना खाएंगे। हाँ, इसलिए आनंद है, इसलिए इसमें भजन भी आनंद है, साधन भी आनंद है, और प्राप्ति में तो आनंद 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 है जी, आनंद है कोई समाप्ति नहीं। इसलिए साधन, इसलिए बोले नहीं, जब तक मैं रहूंगा तब तक परिक्रमा करूंगा। तो कृष्ण उन्होंने बंसी बजाए, गिरिराज शिला दिया, जिसमें खुरा का चिन्ह गैया की, खुरा का चिन्ह लकोटी बंसुरी, और कृष्ण का चरण चिन्ह। अभी भी कहते चार बार परिक्रमा करोगे तो गिरिराज परिक्रमा के तुम्हें फल मिल जाएगा। इसलिए ये स्थान संपूर्ण रूप में कृष्ण लीला के द्वारा परिपूर्ण स्थान है। हम लोग यहाँ पर आए, प्रणाम करो, चरण धुली लेना और प्रार्थना करे, जैसे ये ब्रज रज हमें अपना श्री आराध्या देवी राधा रानी के चरण की हमें सेवा प्रदान करे। वंशाकल दुर्भ